टंटरा टंटरा टंटरा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। त्योहार भी सारे खत्म हो गए, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, हमारा जन्मदिन भी गया। अब तुम ऐसे करो, जाकर सो जाओ, मजे से सो जाओ, जिंदगी भर के लिए सो जाओ। काहे के लिए जिंदगी भर सो जाए? अभी दोबारा क्या नाम है वो आईपीएल ही शुरू होने वाला, आईपीएल शुरू होने वाला, देखना क्या मजा आता है फिर से। तो तुम आईपीएल का इंतजार कर रहे हो मतलब? अबे नाराज, तो जिंदगी भर क्रिकेट ही देखते रहोगे? काम धंधा करना है कि नहीं करना? जाओ काम धंधा करो। बेफालतू में क्रिकेट देखो साला, मतलब सारे मैच जीत जाते हैं और फाइनल सेमीफाइनल में जाके हार जाते हैं। क्या फायदा भैया हमें मैच देखने का ऐसा? हम तो आज के बाद मैच देखेंगे नहीं, सही बता रहे हम अपना। नहीं नहीं सही बात है, सही बात है, दिल तो टूटा है इस बार, सबका दिल टूटा है। मतलब हमें ऐसा लगता था कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा है, पर पता ही नहीं चला कहाँ पे हार गए हम। हम बताएं कहाँ पे हारे? नहीं रहे तो तुम जाओ अपना काम करो, हमें पता कहाँ पे हारे। ये देखो ये अजीब वकूफ है, अभी तो कह रहे पता नहीं कहाँ हार गए, जब हम कह रहे बताने को तो कह रहे रहने दो। सही कह रहे, और बार बार बता के भरे हुए घाव को ना कुरेदो। हम तो एक साफ सीधी बात कहना चाहते हैं कि हम इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते, और ना चाहते कि यहाँ पे कोई बात करे। नहीं भैया नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, देखना अगली बार जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। जब इस बार ही नहीं जीते तो अगली बार की क्या बता है? जब लगातार 10 मैच जीतने के बाद मतलब 11वां मैच फाइनल हार गए तो अब क्या ही उम्मीद करे भैया। अब तो मतलब बस रो रहे हो क्या? अरे नहीं, रो नहीं रहे हमारे, सही बताए ना तो हमारा दिल बैठ गया है। मतलब हम देखो, अगर हमें तुम खुश देखना चाहते हो तो इस बारे में बात ना करो है। ठीक है भैया, चलो इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मतलब चलो दुनिया को तो मतलब वर्ल्ड कप हारने की दुख है, और इनको कौन सी दुख है भाई, ये सोए रहते पूरे दिन यहीं पे। अरे इनको कुछ नहीं, इनको जो है इनको पकड़ लिया सुख रोग समझते हो? नहीं तो ये क्या है? जब कोई आदमी काम धंधा नहीं करता, उसके पास काम धंधा नहीं रहता तो देखो क्या होता है, उसको सुख रोग हो जाता है। वो सोए मतलब सोया ही रहता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता तो जाके सो जाता है, काम होता है तो भी जाके सो जाता है, मतलब दिन भर को सोता ही रहता है, ये होता है सुख रोग। फिर ये तो इनको भी है, ये भी सोए रहते हैं हमेशा। हमें कह रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे भूत से थोड़ी कह रहे हैं। हमको कहाँ सोया देख लिया तुमने? राम खिलावन देखो कैसे कह रहे हैं। नहीं भैया नहीं, इनसे ज्यादा सोने वाला इंसान हमने नहीं देखा होगा, इनसे ज्यादा नहीं सोते होंगे। मतलब ये रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, हगते मुट्टे खाते हैं, फिर से सो जाते हैं। अरे और तो और, जब सोते सोते क्या होता है कि इनके शरीर में जब दर्द होने लगता है तो ये क्या करते हैं, ताश उठाते हैं, ताश और ताश खेलना शुरू कर देते हैं। अकेले कोई नहीं होता इनके पास, अकेले ताश खेलते हैं ये। भैया हमने इनकी जैसी जिंदगी किसी की नहीं देखा होगा, मतलब क्या बताएं, छोड़ो रहन दो, ज्यादा बोलेंगे फिर उठ के बुरा मान जाएंगे, लड़ने लगेंगे, तो रहन दो। नहीं वो तो है, पर देखो इधर ये भी कम नहीं है, ये भी ऐसे ही सोते हैं। हैं तुमने देखा? कब देखा बताओ? पता है नहीं बताएं क्या? हैं तो देखा तो बताओ ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। भाई हम तुम्हें इनकी बताए, एक बार क्या हुआ था कि ये सोए थे शनिवार को और उठे थे सोमवार को, मतलब संडे बीच में खा गए थे ये, और ये कह रहे हैं आलसी नहीं है। हाँ इतना आलसी हो क्या तुम? नहीं ऐसा नहीं है, इतना आलसी तो नहीं है, पर हाँ एक बार हो गया था हमारे साथ। वो क्या हुआ था कि हमको हर बार हमारे घर वाले उठाते हैं, और एक बार उठाए नहीं तो सोए रह गए हम, बीच में संडे स्किप कर दिया था हमने। देखा हम कह रहे थे ना, मतलब इनको ना उठाओ तो ये 7 दिनों तक सो सकते हैं, इतने बड़े आलसी है ये। और क्या कह रहे थे अभी? हम तो आलसी है नहीं। तो क्या हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, हमेशा नहीं करते ना इनके तरह। नहीं फिर भी 24 घंटा और 12 घंटा और 12 घंटा कितना घंटा हो गया भैया? 24 12 12 72 घंटा हो गया। ए, सुना एक हमारी बात, लिपिन स्कूल से पढ़े हो क्या? नहीं तो? फिर तो ठीक है। नहीं आमतौर पे जो लिपिन स्कूल के पढ़े बच्चे होते हैं वही इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं और इतना सटीक। मतलब हद है, गिनती नहीं आती इनको, और बातें करवा लो इनसे। काहे कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? देखो इधर, गलत बोलो सही बोलो पर यहाँ ना बोलो, जाकर बोलो उधर। अब तुमको क्या होगा, सो ना तुम, सोने से मना कर रहे क्या हम तुमको? नहीं अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठना, चलो उठो यहाँ से, जाओ निकलो। काहे के लिए, क्या हो गया बताओ ना, हमसे बताओ क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, इनको ले जाओ तुम यहाँ से बस। हाँ तुम्हारे कहने से ले जाओ, तुमने खरीद रखा है इसको, किराए पे रहते हो, किराएदार की तरह रहो, फालतू ना बोलो ज्यादा। हाँ नहीं इनको लगता है कि ये सब इनका है, मतलब एक रूम ले रखे हैं
और इनको लगता कि ये सब इनका है। हाँ ये सब हमारा, चलो निकलो नीचे चलो। हाँ तो चिल्लाओ, तुम्हें कहीं लगता है कि हम तुमसे डरते नहीं? बिल्कुल नहीं डरते हम तो, हम तो खुद तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक कितने डराते, हमको खुद याद नहीं रहता। हम गए थे कल सब्जी मंडी, तो हमने वहाँ पे बैंगन देखा था। बैंगन हाँ? हम जो है बैंगन खरीदना चाहते थे पर हम खरीद नहीं पाए क्योंकि हमको खुजली होने लगती है बैंगन की सब्जी खाने से। ए देखो इधर, हमने तुमसे पूछो। नहीं पूछा तो हमारे बीच में बोले क्यों, जब तुमको पता था कुछ और बात चल रही है यहाँ पे तो क्यों बोले हमारे बीच में है? तो इस वजह से गए थे तुम सब्जी मंडी में। सही बात है। नहीं ये तो इनकी आदत है ना, ये आज की आदत थोड़ी है, बहुत पहले की आदत है। ये नहीं देखेंगे कहाँ पे कौन सी बात चल रही है, बीच में बोल देंगे जब ही। तुम लोगों को जो मीटिंग करनी वो मीटिंग करो पर यहाँ ना करो, या तो ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ। हाँ तुम्हारे कहने से नीचे जाए, क्या है नीचे, हम तो नहीं जा रहे। तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपने रूम में चले जाओ, जाओ वहाँ अंदर। हाँ जाके गेट बंद कर लो, आवाज नहीं आएगी उसमें। मानो तो उठना शाम को, नहीं तो सोए रहना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो हमको बहुत गुस्सा आता जब हमारे बीच में कोई बोल देता है, पता नहीं इनसे क्या कह रहे थे हम, भूल गए। अब हम भूल गए तो भूले रहो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम सही बता रहे, पढ़ाई में हम उतने अच्छे है नहीं, तो वो बात खत्म करो, हटाओ। हाँ याद आ गया, क्या कह रहे थे तुम बेहतर? यार मोबाइल निकाल के जोड़ लो, जब तुमको पता नहीं है तो हमसे क्या पूछ रहे हो? तो नहीं नहीं बेहतर बेहतर है ना, बेहतर। हाँ तो हमको आती है फिर गाली देना भी, हम गाली भी दे देते, तुम्हें कहीं लगता हो कि हम नहीं दे पाते? बेहतर भैया बेहतर। हाँ तो करो बेहतर बेहतर, जब बेहतर गाली देंगे ना जब पता चलोगा, करो बेहतर। ठीक है यार हटाओ बेहतर, थिएटर जो इनके मन में था बोल दिए बस, जितने पढ़े लिखे उतने तो बोलेंगे और क्या, फालतू कहाँ से लेंगे ज्ञान बताओ। देखो इधर राम खिलाओ, इधर देखो देखो, हमसे ज्यादा फालतू नहीं, नहीं कुर्सी के साथ तुम्हें उठा के बहा देंगे नीचे, बता रहे। तो पट्टी लाल नहीं हो जाएगा फिर तुम्हारा? एक खाट वाले भैया, इनको भगाते क्यों नहीं तुम यहाँ से? हाँ उन्होंने भगा दिया यहाँ से और तुमने भगा दिया यहाँ से, देखना सबसे पहले तुम्हें ही भगाएंगे वो, और तुम्हें ही भगा रहे थे अभी वो। बताओ खाट वाले भैया बताओ, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि इनको भगा दो? गुड्डू भैया डंडा दे क्या? हाँ देखना ऊपर हो तो देना। रुक जाओ अभी ला रहे हैं, तुम लोग ऐसे तो मानोगे नहीं, रुक जाओ आज अंदर डंडा बस। हमें कह रहे हो क्या तुम? और नहीं तो क्या, तुम्हें तो कह रहे हैं ना खाट वाले भैया। देखो बेटा इधर भाग जाओ यहाँ से, नहीं भाग यहाँ से। मैं तो डर गई, इनको और इनको तो भगा नहीं पा रहा, हमको भगा रहे हैं। हमको भगाएंगे, इतना हिम्मत थोड़ी है इनमें जो हमको भगा देंगे। अच्छा तुम एक बात बताओ यहाँ पे बैठे क्यों, ये बताओ पहले। मैं सर्दी लग रही तो बैठ गए यहाँ पे हाथ जला के। और ये कुर्सी कहाँ से लेकर आए? कुर्सी कहाँ से लेकर आए? नीचे से लेकर आए अपने रूम से। और ये कुर्सी कहाँ से लाए? उसके बारे में उनसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? हाँ क्या हम अपने रूम से लेकर आए, तुम्हारे रूम से लेकर आए क्या? पता नहीं इनको क्या होता है, यहाँ पे बैठ जाते हम थोड़ी देर तो। जलन जलन होती इनको, जलन। नहीं रुको अभी जलन करवाते तुमको, रुको। नहीं मिला डंडा? मिल गया भैया मिल गया, ये लो। लगी है चोट बहुत तेज को पड़ी है पे।